हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आज आप लोगों को फिक्स फंक्शन करवाने वाली हूँ। फिक्स फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किसके थ्रू अप्लाई होता है? F4 के थ्रू अप्लाई होता है। आपने कीबोर्ड में देखा होगा फंक्शन की होती है F4, F1, F2, F3 होती है ना, उसमें F4 होती है, उससे ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? अगर मैं A के आगे लगाती हूँ डॉलर साइन तो मेरा कॉलम फिक्स हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ ये कॉलम मुझे फिक्स करना है तो मैं यहाँ पर डॉलर साइन लगाऊंगी शिफ्ट के साथ 4 और E दबा दूंगी, तो ये मेरा कॉलम फिक्स हो जाएगा। अगर मुझे रो फिक्स करनी है तो ये रो कौन सी है मेरी? 8 रो है ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगी डॉलर साइन लगाऊंगी, ठीक है, और 8 लिख दूंगी, तो मेरा क्या होगा आपका डॉलर साइन आपको शिफ्ट के साथ 4 में मिल जाएगा, ओके। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? रो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये कॉलम फिक्स हो गया, ये रो फिक्स हो गया, जिसके आगे डॉलर साइन लगेगा वो फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट अगर मुझे दोनों ही फिक्स करने हैं तो डॉलर साइन लगाया मैंने, ई लगाया और डॉलर साइन मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे 8 लगा दिया, तो ये मेरे दोनों फिक्स हो जाएंगे, कॉलम भी रो भी। ये 3 टाइप से चलता है, 4 टाइप चलते हैं बेसिकली। तो अगर मैं ई 8 लिख देती हूँ तो ये 4 टाइप हो गए, कोई भी फिक्स नहीं है। देखो ये कॉलम फिक्स, ये रो फिक्स, कॉलम एंड रो फिक्स, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर 4 दिखा सकते हो डिफरेंट क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे? इसके बाद ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत होगी तो बताना। ये फिक्स हम यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक वैल्यू है मेरे पास 45 और मैं चाहती हूँ 45 वैल्यू सब में आ जाए, ठीक है। तो जब हम ड्रैग करते हैं, समझ लो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, जब हम ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाती है? 0। देखो ये यहाँ पर आया, ठीक है, फिर ये चेंज हो गया, ठीक है, 0 आ गया। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसलिए अब मुझे चाहिए 45 ही चाहिए था ना, ठीक है, समझ रहे हो। ये सेल मेरा मूव हो रहा है, ठीक है, तो मुझे सेल क्या करना था? 45 ही चाहिए था, तो मैं इसको फिक्स कर दूँगी F4। अगर आप F4 दबाओगे तो ये फिक्स हो जाएगा, ट्रैक करोगे यहाँ पे कंट्रोल डी करोगे तो ये आपका सब में सेम आ जाएगा। अब चेक कर लो, ये देखो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, अब वैल्यू मेरी मूव नहीं हो रही, ओके। अच्छा, फिक्स के लिए हम 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स यूज़ करते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जिसमें वैल्यूज चेंज होती रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सम किया और मैंने यहाँ पे फिक्स का कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। सिलेक्शन किया, कंट्रोल डी किया मैंने, देखो वैल्यू चेंज हो गई आपकी, कहीं भी डॉलर साइन नहीं लगा, ओके। एब्सोल्यूट आता आपका, सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पर और क्या कर दिया? F4 दबा दिया, ठीक है, सब में डॉलर साइन लग गए आपके A में, 15 में, ये देखो। सिलेक्शन किया, कंट्रोल डी, मिक्स आता है, एक फिक्स होगा एक फिक्स नहीं होगा, ओके। मुझे ये टॉप की रो क्या करनी है? फिक्स करनी है, तो मैंने इसमें F4 दबा दिया, कॉमा लगा दिया मैंने, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया? बाकी रो मुझे फिक्स नहीं करनी है, तो मैंने सिलेक्शन कर दिया, या सिंगल रो ले लो आपकी इच्छा है। सिलेक्शन करके कंट्रोल डी, तो हर वैल्यू में टॉप की वैल्यू ऐड हो जाएगी, टॉप रो की, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये। नेक्स्ट क्या आता हमारे पास इसमें? एग्जांपल करके देख लो, ठीक है, सिंपल सा है। मुझे किसी ने कहा ये 20 इन सब में क्या करना है? इनटू करके दिखाओ, ओके। टेबल टाइप का जनरेट करना हमें, तो हमने क्या किया? इस 20 को फिक्स कर दिया F4 से, ठीक है, और इसको इनटू कर दिया हमने किससे? इससे। जब हम ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली सबसे इनटू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, किसी ने मुझे कहा 10% निकालो इस सारी अमाउंट का, ठीक है, अगर आपके पास कहीं पे आप डीलिंग कर रहे हो स्टेट्स में तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे इनमें, तो वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है, लाखों में जब बात होती है। यहाँ पे निकालेंगे, सिलेक्शन करेंगे, अगर मेरा सामान इतने का तो 10% इतना पड़ेगा, 2000 का पड़ेगा तो इसका 10% कितना पड़ेगा वो आ जाएगा। अब देखो ये फिक्स हो गया ना, फिक्स नहीं किया ना मैंने, तो वैल्यू चेंजेबल हो गई, उसने ऊपर वाई ले ली, इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे जाके इसको F4 से फिक्स कर देंगे, तो आपको ये शो कर देगा इस तरीके से, ठीक है। चलो ये तो छोटे छोटे थे, अब मुझे थोड़ा सा बड़ा यूज़ करना है। अब फिक्स क्या करना है मुझे, समझ लो यहाँ पे मेरे पास कुछ अमाउंट है, ठीक है,
इनको आप सिलेक्शन करके ट्रैक करोगे तो आपकी काउंटिंग आ जाएगी इस तरीके से। कंफ्यूजन ना हो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखती हूँ, 100, 200, 300 ऐसे भी आप ट्रैक कर सकते हैं। सेलेक्शन करके फॉर्मेट प्रिंटर में जाओ, इस तरीके से अप्लाई, ठीक है। मुझे ये चाहिए तो ले लो सिलेक्शन करके यहाँ से, सेम। अब मुझे यह करना है, समझ लो, मुझे इससे प्लस करना है, इससे इनटू करना है, ओके। क्या करना है, इससे इनटू, इससे प्लस। सिलेक्शन करेंगे, ये लेंगे, F4 करेंगे, फिक्स करेंगे, इनटू करेंगे, इससे करेंगे, और प्लस करेंगे, इससे करेंगे, ओके। ये मैंने फिक्स कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे को ये सेल मूव नहीं करवाना, ओके। अब देखो काम असली क्या होगा, यहाँ से ट्रैक करो और यहाँ से ट्रैक करो, कंट्रोल डी कंट्रोल आर यूज़ कर सकते हो आप लोग। सारी वैल्यू हिल गई मेरी, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा कॉलम आ गया, बी, और यहाँ पे आ गया सी, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, सी वाला। यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे सही चल रहा है, यहाँ पे आ गया ये सी, ठीक है। यहाँ पे आ गया ई, यहाँ पे आ गया डी। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये सेल मेरे सारे मूव कर रहे हैं, ओके। नीचे भी देख लो, अब ये यहाँ से यहाँ आ गया है ना, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप। अब देखो मुझे ये वाला फिक्स करना था, ये क्या है मेरी, कौन सी रो है, 40 कहीं है, ये रहा, इस पर डॉलर लगा लो इस तरीके से। अब ट्रैक करके देखो, नीचे ट्रैक करके देखो, कुछ तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। देखो अब ये यहीं पर ही है, वहीं पर ही है, ठीक है। लेकिन ये हिल रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब ये रोग, ये कौन सा है देखा जाए तो, ये तो हिल रहा है मेरा ना, ये ए है, ए ढूंढो कहाँ है इन दोनों में, ए ये रहा, इस पर डॉलर लगा दो, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, बन गया आपका। देखो ये प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना, ताकि जब मैं आपको वी लुकअप करवाऊँ या दूसरे फंक्शन करवाऊँ तो ये आपको क्लियर हो, ओके। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा मुझसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही।